गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। यहाँ पर यूएई प्रो लीग का मैच हो रहा है अल इत्तिहाद कालबा वर्सेज अल बताए के बीच, जो कि 9:45 पे मैच खेला जाएगा। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो अल इत्तिहाद कालबा और एएलबी में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा दोनों साइड को, क्योंकि दोनों टीम भाई सीज़न की थोड़ी मिड वीक टीम है। मतलब मैं ज़्यादा भी इनको कमज़ोर नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों टीम्स का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहा है। ये ज़्यादा गोल करने वाली है ही नहीं, एएलबी तो खास तौर भाई बिल्कुल कम गोल करते हैं ये लोग। आईटीके पे मेरे को फिर थोड़ा भरोसा है कि हाँ भाई ये लोग ये शायद चल जाए, लेकिन इन पे नहीं है भाई। एएलबी पे मेरे को ट्रस्ट इतना है ही नहीं। और आज जितने भी रात को भी मैचेज हैं मैं कहूँगा वो उल्टा बेटर है। आज ये जो जितने भी इन्होंने यूएई साइड के मैच डाले ना, लाइक सऊदी अरेबियन लीग्स, यूएई, कतर लीग, वो उस साइड के जितने आज इन्होंने मैचेज एड किए हैं लगभग थोड़े रिस्की हैं। लगभग मतलब खेले जा सकते हैं लेकिन थोड़े रिस्क में। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे। तो बात करूँ अगर मैं स्ट्राइकिंग की, तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए मैं फेवर करूँगा सबसे पहले अपने यहाँ पर, मतलब स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा एम गैदी को। एक्चुअली एम गैदी एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है और अभी इंटरनेशनल लेवल के मैचेस चल रहे थे, मैंने इसको कई मैच में अपना कप्तान रखा। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी इस बंदे ने, मज़ा ही आ गया। मतलब मैं कहता हूँ ये तो है ही बिल्कुल तारीफ के लायक ही है, ये इसकी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। एडी ओलिवेरिया की बात करें, एडी ओलिवेरिया भी यहाँ पर मैं लूँगा अगर खेलेगा। नहीं खेलता तो फिर अबंग को लो ना, तब जा कर लो। अभी लेना अभी राशिद और अबंग को लेना बिल्कुल बेकार है भाई। पहले ही गोल रेशियो इतने कम है और फिर गोल वाले प्लेयर ले रहे हो, गोल आपको पता है आना ना के बराबर यहाँ पे हुआ हुआ है, तो इसलिए रिस्क लेना बिल्कुल बेकार है। इससे बढ़िया मैं आपको वॉर्म बर्गर की राय दूंगा। वॉर्म बर्गर को आप यहाँ पे अपनी टीम में ट्राई करो और किसी अन्य प्लेयर को मत ही करो। मिडफील्डिंग की बात करें देन डी बेसा को यहाँ पर लो। एफ किस को मेरे को तो नहीं लगता कि इसका कोई काम है। और हाँ, एल्स पेडेसियो को अगर लेना है देन यू हैव टू ड्रॉप वॉर्म बर्गर। अगर आप वॉर्म बर्गर को ड्रॉप करके स्पेडेसियो को लोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी एक टाइम पर स्ट्राइकर रह चुका है तो इसको स्ट्राइकर की खूब नॉलेज है, और वॉर्म बर्गर एक नॉर्मल सा स्ट्राइकर है, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसके बाद आगे से बात करें एस गसामा तो मेन है। उसके बाद पी सेंटोस भी भाई मेरी नज़र में तो मेन है। मैंने पॉलिनो सेंटोस को कभी भी सोचा नहीं कि मैं ड्रॉप करूंगा, वो भी एएलबी टीम के अंदर, तो कभी भी नहीं, मैंने तो ऐसा किया भी नहीं। सो मैं इसके साथ जाऊंगा। और डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करें यहाँ पे देखिए वैलेस की अगर बात करूँ तो मेरे को वैलेस बहुत बढ़िया लगता है, तो वैलेस तो मेरा पहली पसंद है भाई। उसके बाद एस राशिद ओबेद की बात करें, फर्स्ट डिफेंडिंग कर रहा तो कुछ होगा खास इसी में, तभी इसको भेजा गया यहाँ पे। उसके बाद सलम की बात करें देन यहाँ पर देखिए अब्दुल सलाम मोहम्मद की अगर यहाँ पे बात करूँ तो मेन प्लेयर है, थर्ड डिफेंडिंग पे है। फ्लॉप होने के चांस थोड़े बन सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस क्लीन शीट लग गई फिर तो 20 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। और फोर्थ डिफेंडिंग की बात करें वो ये किसी को भी भेज सकते हैं, फोर्थ डिफेंडर का कुछ नहीं पता। ये राशिद को भेज सकते हैं, इनका बस चले एम सबिल को भेज सकते हैं, इनका जो मन करेगा उसको भेजेंगे, इसलिए आप किसी को भी सेव कर लो, आफ्टर लाइनअप्स चेंज करना ही पड़ेगा। और गोलकीपिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा आईएसआ को, ठीक है। तो बात करें अगर कप्तान की, कप्तान है हमारी टीम का गैदी एंड वाइस कैप्टन है डी बेसा। तो ये मेरी एक टीम है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल टीम है, कुछ ज़्यादा मैंने इसमें रेयर किया नहीं, एक सेफ टीम मैंने यहाँ पर बनाई है, क्योंकि रिस्की मैच है भाई, रिस्की मैच में और रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं, तो ये एक बेस्ट मैच यहाँ पर रह सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।